अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन मैं रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है ये कपड़ा और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 13 इंच और इस तरह इसकी लंबाई है 18 इंच। देखिए, और ये सेंटर में मैंने इसको कर लिया है प्रेस इस तरफ यूँ भी, और ये सेंटर भी इसका बना लिया है। ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे पिंटेक्स और यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, जो सिलाई लगी हुई है, इसके साथ बिल्कुल इस तरह नज़दीक से रखते हुए मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने एक बना लिया है साथ में, इसके साथ दोबारा ही ऐसे आधे इंच पे दोबारा इस तरह पकड़ेंगे और दूसरी लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा पिंटेक्स बना लेंगे इस तरह। ये दूसरा पिंडेक्स में मैंने तैयार कर लिया है। देखिए, ये इसका सेंटर है, यहाँ से मतलब सेंटर के चार, मतलब चार सेंटर, ये सेंटर है। ठीक है, इसके इस तरफ चार बनानी है और चार इस तरफ बनानी है। तो ये मैं इधर पूरे कर लेती हूँ चार। तो ये इस कपड़े का सेंटर है, इसके इस तरफ मैंने चार बना ली हैं, अब चार इस तरफ बना लूँगी। ठीक है ना, सेंटर से मुराद ये देखिए जो निशान है ना, उसके थोड़ा सा इधर करके मैंने ये वाला पिंटेक्स बनाया था। अब दूसरा बिल्कुल इसी तरह ही थोड़ा सा फासला दूँगी, जैसे फिर बाकियों को इतना ही फासला नज़र आएगा इसमें भी। ठीक है, इतना ही दूँगी और यहाँ से पिंटेक्स और चार बना लूँगी। तो ये 8 पिंटेक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इस कपड़े को मैं कर लूँगी प्रेस और इनका रुख जो है ना किसी एक साइड पे दे देना है। ठीक है ना, मैं इधर इस तरह से इनको प्रेस करके एक तरफ इनका रुख कर लूँगी। ठीक है, ये प्रेस मैंने इसे कर लिया है। अब इसको इस तरह करेंगे, यहाँ से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इसको यहीं से पिंटेक्स बनाएंगे, फिर इस वाली शेप में। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनका रुख एक ही तरफ ही आ रहा हो, तभी हमारी नीटनेस आएगी। तो ये पिंटेक्स भी ऐसे ही बारीक तरीके से बारीक बारीक मशीन सिलाई चलाते हुए बना लेने हैं। तो ये एक मैंने बना लिया है, इसी तरह जो है ना आधे इंच का फासला जैसे बाकियों में छोड़ा है, ऐसे आधे फिर से आधे इंच का फासला छोड़ के एक और बना लेंगे। दो बना लिए हैं, इसी तरह हम चार इधर मतलब तैयार कर लेंगे इस तरफ से। जैसे इधर ऊपर वाले हिस्से में हमने लंबाई में 8 बनाए हैं, तो यहाँ पर भी 8 ही पिंटेक्स बनाने हैं। चार मैंने तैयार कर लिए हैं, ये आगे मैं बनाती जा रही हूँ। 8 इंच से मैंने शुरू किया है ना, तो बाकी नीचे जो कपड़ा है वो ज़रा ज़्यादा बचा है। आपको याद रहे कि टोटल लंबाई इस कपड़े की मैंने 18 इंच ली थी। ये पिंटेक्स मैंने रेडी कर लिए हैं, अब इसका नेक बनाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर थोड़ा फासला बच रहा है, यहाँ ज़्यादा बच रहा है। यहाँ हमारा जब 5 इंच तक इस तरह नेक कट जो हो जाएगा, तो हमारा ये वाला गैप और ये वाला गैप जो है ना वो बराबर हो जाएगा। तो अब नेक कट कर लेते हैं। तो ये चिप्स बुकरम मैंने ले ली है, इसकी इस तरह से चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 8 इंच और इस तरह लंबाई इसकी मैंने रखी है 5, 5.5-6 इंच के करीब है। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे, गला रखेंगे, गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे हम 3 इंच और इस तरह से यहाँ से हम इसकी जो गहराई है ना वो 4.5-5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे गोल कर लेंगे और कट कर लेंगे और थोड़ा सा गैप रखते हुए इसका बाहर वाला हिस्सा भी कट कर लेंगे। जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं बोट नेक कट कर रही हूँ। बोट नेक की चौड़ाई ज़्यादा और गहराई जो है ना वो कम होती है आम गलों से। नेक हमारा कट हो गया है। तो ये हम जो कपड़ा लेंगे, जो इसके ऊपर हमने गले को पेस्ट करना है, ये हमने गले कपड़े की सीधी साइड ली है। तो इसके ऊपर मैं इसे यहाँ पे चिपका दूँगी सेंटर में। इसको हमने चिपका लिया है कपड़े की सीधी साइड पे। ठीक है, अपने यहाँ रखना है, इसे उल्टा रखेंगे इस तरह। और यहाँ पर जो हमारा पिंटेक्स वाला कपड़ा रेडी हुआ हुआ है, इसे हम रखेंगे इसके ऊपर और इसे उल्टा करके। ठीक है, और इसका सेंटर है ये और इसका भी सेंटर यहाँ पर मिलाएँगे, ऐसे सेट करके रखेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल इस तरह सेट करके उसके बाद दोबारा हम सीधी साइड पर रखेंगे इसे।
ये देखें हमारा ये पिंटेक्स वाला कपड़ा नीचे पड़ा है, ठीक है, और ऊपर ये। अब यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है बिल्कुल सेंटर का ख्याल रख के। इसे मैं यहाँ किनारे की सिलाई लगा लूँगी चिप्स बुकरम के साथ साथ। किनारे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे इजाफी कपड़े को जो है ना कट कर देंगे आधा आधा इंच छोड़ते हुए। और छोटे कट लगा लेंगे। तो यह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे बनाया गया है। तो इसे पलट लेंगे अब हम इस नेक को सीधी साइड पे। ये देखिए ये हमारा जो नेक जो है ना वो सीधी तरफ आ गया है। सेट कर लेंगे अच्छे से। तो ऊपर से गले को मैंने प्रेस करके इस कपड़े को बिल्कुल सेट कर लिया है। अब जहाँ जहाँ से मुझे थोड़ा इजाफी लग रहा है वो मैं कट करती हूँ, क्योंकि पिंटेक्स बनने से कपड़े में फ़र्क आ ही जाता है। तो थोड़ा सा इस तरफ से बराबर कर लूँगी मैं। तो इस तरह हम पैमाइश करेंगे इसकी। यहाँ से मुझे 14 इंच चाहिए, ठीक है ना, जो बाकी है वो मैं कट कर दूँगी। तो मैंने निशान लगा लिया है उसके ऊपर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं इस नेक से मुताबिक तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, मैं ये लेस ले रही हूँ जो दोनों साइडों से फोल्ड होती है इस तरह वाली, ठीक है, इसे मैं रखूँगी यहाँ पर इसकी उल्टी साइड से, ठीक है। और मैं इसके और इस कपड़े के किनारे पे सिलाई लगाती आऊँगी पूरे की। ये लेस भी मैंने उल्टी रखी हुई है और जो कपड़ा है ये वाला इसके भी उल्टी साइड से इस तरह स्टिच कर रही हूँ। इस लेस के दोनों साइड पे टिश्यू फैब्रिक जो है ना इससे बढ़ा हुआ होता है, तो उसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ और साथ कपड़े के ऊपर भी। आप कोई सी भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो कोने की तरफ से यहाँ फोल्ड कर देंगे बिल्कुल जैसे पाइपिंग हम घेर के ऊपर लगा रहे थे, सेम इसी तरह ये लगानी है। इसको यहाँ पर कोना बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस सीधी सिलाई ही लगा लेनी होती है। तो इसी तरह मैं इसको इधर से भी देखें फोल्ड गुलाई दे रही हूँ सिर्फ, मज़ीद कोना नहीं बना रही। तो आगे इस तरह इसको पूरे को लगा लेंगे लेस को। ये देखें ये मैंने लगा ली है नीचे वाली साइड से। अब इसे ऊपर की तरफ पलटेंगे ऐसे और हमारे ये इधर से भी इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। पहले मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा प्रेस, बिठा लेती हूँ अच्छे से सारे को। तो इसको मैंने सीधा कर लिया। ये देखें अब इस तरह से है हमारा ये काम। तो अब इसको मैं यहाँ पर बाकी वाले हिस्से को इस तरह फोल्ड करूँगी और स्टिच करती जाऊँगी इस तरह से। तो ये साइडों पे इसको मैंने लेस लगा के कवर कर लिया है। अब हम ये जो है मेरे पास जो पिंटेक्स बने हुए हैं डब्बे डब्बे, इनके अंदर मैं ये इस तरह पल्स लगा लूँगी मोती, और ये सारे लगा के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, तो मैं लेकिन ये लगाऊँगी इस तरह इन सारे डब्बों में। तो उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो ये गले का जो नेक डिज़ाइन है ये हमारा बांध के रेडी हो गया है। ये मोती मैंने लगा लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो इस तरह के न्यू डिज़ाइन आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आजकल ये डिज़ाइन रेडीमेड शर्ट्स पर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, आप भी अपने घर में रेडी करें इस तरह की शर्ट, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगेगा।